जो गर्मी निकाल रहे थे, छह चरणों में ठंडे हो गए। पिछले तीन साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। क्या छठवें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के उड़ा दिए गए, जो हमें कह रहे थे कि 12 बजे सोके उठते हैं। जब से छह चरण का चुनाव खत्म हुआ है, उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। पूरा स्टेज पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग तेल मालिश करके माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि इस बार जो मुझे देखने को मिल रहा है, मैं सुबह से आजमगढ़ में, अतरौलिया, फूलपुर, सगड़ी विधानसभा और आज अभी गोपालपुर में आया हूं, मुझे लग रहा है कि आजमगढ़ में हर विधानसभा में मुकाबला चल रहा है कि कौन सी विधानसभा ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगी। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार आजमगढ़ 10 में से 10 समाजवादी पार्टी को जिताने जा रहा है। और मुझे अपने नौजवानों पर भरोसा है। सुहेल देव पार्टी साथ आ गई, इनके कार्यकर्ता नेताओं पर भरोसा है कि यहाँ के लोग जब धुआंधार वोट डालने को तैयार हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं धुआं हो जाएंगे। नौजवानों, जो गर्मी निकाल रहे थे, छह चरणों में ठंडे हो गए। बताओ, उनके नेता ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और उनके नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? और मैं अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज में भर्ती, बल्कि पुलिस में भी दोबारा भर्ती करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। 11 लाख जो पद खाली हैं, उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे। बताओ, बीजेपी ने बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर दी कि नहीं कर दी? पिछले तीन साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है, इसलिए मैं अपने बीएड टेट वालों को, शिक्षा मित्र को, 57,000 शिक्षक भर्ती वालों को कह के जा रहा हूँ कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समर्जित किया जाएगा और नई शिक्षक भर्ती निकाल करके भी आप लोगों का मौका देने का काम होगा। ये तो जानकारी मिल गई होगी कि छठवें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी के छक्के उड़ा दिए गए। और जब से पीले वाले समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, बीजेपी का हर पुर्जा ढीला हो गया। और मुझे तो ये लगता है गोपालपुर आकर के कि जो गर्मी निकाल रहे थे, गोपालपुर वाले उनकी भाप निकाल देंगे इस बार। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री जो हमें कह रहे थे कि 12 बजे सोके उठते हैं,
जब से छह चरण का चुनाव खत्म हुआ है उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। रात में आजकल धुआं मांगने लगे हैं, धुआं मांग रहे हैं। और सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री आवास में पुताई वालों से काले धुएं के धब्बे भी पुतवाए जा रहे हैं। ये मुझे सभा में लैपटॉप दिखाई दे रहे हैं, ये स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं बाबा जी के दिए हुए तो नहीं है? बाबा जी कह रहे थे हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। इसलिए बाबा जी नहीं देने वाले, क्योंकि बाबा जी खुद कंप्यूटर और मोबाइल नहीं चला पा रहे तो वो आपको देंगे क्या? इसलिए आजमगढ़ के लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि हर समय पर आजमगढ़ के लोगों ने समाजवादियों की मदद की है। हमें भी जिताया, नेताजी को भी जिताया। और जब कभी भी सरकार बनाने की बात रही होगी, आजमगढ़ की जनता ने सबसे ज्यादा विधायक जिता करके सरकार बनाने का काम किया है। इस बार भी सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारे नफीस अहमद इनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना, ऐतिहासिक जीत दिलाना। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अभी तो केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी है, आने वाले समय में इसी बड़ी सड़क के किनारे हम मंडी बड़ी बना करके और अपनी मंडियों को ठीक करके अपने किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में करेंगे। इन्होंने खाद नहीं दी, डीएपी गायब हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगे हो गए। तभी आपने देखा होगा इनके प्रत्याशी जनता से माफी मांगते घूम रहे हैं। कई लोग पूरा स्टेज पे दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग तेल मालिश करके माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस बार बीजेपी के प्रत्याशी अगर 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे तब भी हमारा किसान नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है, इनको साफ करने का काम करेगा। जो हमारी और अब आपकी टोपी पे कहते थे उन्होंने टोपी पहन ली, लेकिन रंग बदल के टोपी पहनी है। इसलिए इन रंग बदलने वालों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले, इनसे सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ये चुनाव जहां झूठ बोलने वालों से बचना है वही किसानों का चुनाव है, नौजवानों के भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली पे ले जाने का भी चुनाव है। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। ये दूसरे दल वाले आ रहे हैं, इनकी सरकार नहीं बन रही है, सरकार तो साइकिल वालों की बन रही है। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी के साइकिल पे डाल देना। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे हमें अस्पताल बनाने का मौका मिलेगा तो अस्पताल बनेगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय बनाने का काम होगा। हमने कहा है कि आजमगढ़ में खेल को लेकर के और आपके क्षेत्र में बच्चों की रनिंग ट्रैक के लेकर के या खेलने का स्टेडियम बनाना पड़ेगा तो बनाने का काम करेंगे। आजमगढ़ में जिस तरीके से समाजवादी सरकार में लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में और इटावा में
एक दूध की डेयरी लगी थी बड़ी वाली कन्नौज में, नोएडा में, झांसी में। अगली सरकार बनेगी तो हमें चाहे दूध की बड़ी डेयरी लगवानी पड़े तो यहाँ के किसानों की मदद के लिए एक बड़ी डेयरी लगाने का काम करेंगे। और अगर हमें परसपुर, परशुरामपुर ब्लॉक बनाना पड़ेगा और महाराजगंज तहसील, तो वो भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहाँ क्षेत्र में बाढ़ से बहुत क्षेत्र प्रभावित हो जाता है, हमारी खेती बर्बाद हो जाती है, किसान को परेशानी उठानी पड़ती है, जब कभी नेपाल से पानी छोड़ा जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाती है, उस समय घाघरा नदी से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अगर हमें महुला गढ़वल बांध को बनाना पड़ेगा और अपने किसानों को, गरीबों को और बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए इस बाढ़ का निर्माण करने का समाजवादी सरकार में होगा। और लोहिया आवास भी अगर हमें गरीबों को देने पड़े, पहले तो 3 लाख 3.25 लाख का देते थे, इस बार बजट बढ़ा करके 4 लाख का भी अगर लोहिया आवास देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में लोहिया आवास देने का काम करेंगे। और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि राशन भी ये लोग मार्च तक दे रहे थे, ये राशन आगे नहीं देंगे। इसलिए मैं अपने गरीबों को कहके जा रहा हूँ, समाजवादी सरकार बनवाइए और 5 साल राशन पाइए। राशन के साथ साथ घी, सरसों का तेल और दूध का मिल्क पाउडर भी अपने गरीबों को फ्री देने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूँ नौजवानों को, ये लैपटॉप को समझते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो अच्छी पढ़ाई करने वाले नौजवानों को हम लैपटॉप देने का काम करेंगे। वहीं जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हक सम्मान दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के जहां नफीस को जिताएंगे, वहीं आजमगढ़ में 10 की 10 सीट जिता करके हमें भी एक फिर मौका दोगे, जिससे कि हमें लखनऊ में मौका मिले और हम आजमगढ़ में विकास कराने का काम करें। बताओ, लखनऊ में मौका दोगे? आपका एक एक वोट सरकार बनाएगा। सरकार बनाओगे? ये बीएड टेट वालों सरकार बनाओगे? शिक्षा मित्र वालों, ये हमारे फौज में भर्ती और पुलिस की भर्ती वाले नौजवानों, और स्टेडियम बनवाने वालों नौजवानों, मदद करोगे? मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि आजमगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बना करके अपने नौजवानों का भविष्य बेहतर बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।